मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल स्टॉकिया जस्ट डेट विनर्स पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज लेके आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको देख करके सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पर उस पर आने से पहले मैं आपसे तीन क्वेश्चन करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना निफ्टी को बाई किए, यानी निफ्टी के फ्यूचर को बाई किए बिना आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, निफ्टी जैसा ही रिटर्न ले पा सकते हो, मतलब निफ्टी को खरीद सकते हो, यूं समझो कि आप निफ्टी को खरीद सकते हो, ओके। दूसरा, आप यहां बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे अपने अपने जो शेर खान का डीमेट अकाउंट है या फिर किसी भी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट है, जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल का या फिर ट्रेड टाइगर, तो अपने उसी सॉफ्टवेयर से, अपने उसी ब्रोकर के अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से यहां बैठे बैठे इंडिया में अमेरिका के, यूएस के स्टॉक्स, जैसे कि यूएस के स्टॉक्स जैसे कि एप्पल, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे यूएस के जितने भी स्टॉक है आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी किससे, अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, यानी अपने जो शेर खान का मोबाइल आपका अपना एप्लीकेशन है जिसको आप यूज कर रहे हो, या फिर किसी भी ब्रोकर का आप अगर यूज कर रहे हो तो उसमें उसके थ्रू कर सकते हो। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि आप बिना मार्जिन दिए, यानी बिना मार्जिन दिए आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, यानी आप इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, किसी में भी बिना मार्जिन दिए आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। और एक चौथा सा क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ, चौथा क्वेश्चन यह है कि सेफ, मतलब देखिए सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम सबसे पहले रिस्क हमारे माइंड में आ जाता है, रिटर्न तो बाद में आता है, सबसे पहले रिस्क माइंड में आ जाता है। तो वो उसी को कम करने के लिए, यानी आपका रिस्क बहुत ही कम हो, वो सेफ हो, तो वो अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन बताऊं, कोई इंस्ट्रूमेंट बताऊं कि जिसमें आप इन्वेस्ट करके, जिसमें आप ट्रेडिंग कर करके, ये तीनों क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, चारों का जवाब आप आसानी से पा सकते हो और एक अच्छे से सेफली हैप्पीली इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ये 35 से 40 मिनट का भी हो सकता है, अगर आपके पास टाइम हो तो अभी देखिए, वरना आप बाद में देखिए, ओके। वॉच लेटर में डाल के लाइक करके छोड़ दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि रियल में ये चीज है क्या। इसमें मैं जो इंस्ट्रूमेंट बताने वाला हूँ वो बहुत ही कम लोग बताते हैं, इवन यूं समझो कि उसको, उससे यानी उस जो वो इंस्ट्रूमेंट है उससे रिटेल पब्लिक को हमेशा दूर रखा जाता है। रिटेल पब्लिक मीन्स हमारे आपके जैसे कॉमन लोग जिनके पास बहुत कम अमाउंट होती है, जो लेकिन फिर भी वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको दूर रखा जाता है इस चीजों से। कौन दूर रखता है, पूरा हाइप क्रिएट करती है एक बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी जो है, वो न्यूज आर्टिकल्स हैं जो, वो चाहे वो कोई भी समाचार पेपर हो, टेलीग्राम वाले तो भरमार हो गई है, यूट्यूब वालों की तो भरमार हो गई है, ओके। तो ये सब एक रिटेल पब्लिक को दूर रखते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, तो उसी इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूंगा। अब वो इंस्ट्रूमेंट है क्या, उस पर चलने से पहले एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी है, वो स्टोरी आपके माइंड में डालना जरूरी है। तो अब मैं आपसे बोलूं कि एक स्टोरी का कैसे है कि आपने कभी भी बस में या ट्रेन में ट्रेवल तो किया होगा, आपने बस में भी ट्रेवल किया होगा, ट्रेन में भी ट्रेवल किया होगा, ओके। तो जब आप बस और ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आपने देखा होगा कि आप एक स्टेशन पे बैठते हो और किसी दूसरे अपने स्टेशन पे उतर जाते हो, जहां पे भी आपको जाना होता है, ओके। लेट से मैं यहाँ सूरत में रहता हूँ और मैं सूरत से मैंने ट्रेन पकड़ी है, तो यहां से मैं गया, मैं बड़ौदा उतर गया, ओके। और कोई बंदा आया वहां पे, वो बड़ौदा में बैठा और बड़ौदा से वो अहमदाबाद में उतर गया, फिर अहमदाबाद से आगे जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, जहां भी जाना हुआ तो वो निकल सकता, उतर सकता है। तो ये हम क्या करते हैं, हम पैसेंजर्स हैं, हम पैसेंजर्स हैं और हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ओके। तो अब बताइए, क्या कोई भी पैसेंजर हमेशा उस ट्रेन में बैठा रहता है, नहीं बैठा रहता ना, वो अपने स्टेशन पर उतर जाता है, ओके। अब दूसरी चीज, जो ट्रेन है क्या वो चेंज होती है, नहीं ना, वो तो एक ही रहती है ना, वो तो वो सीधे जा रही है, उसमें पैसेंजर्स आएंगे, पैसेंजर्स निकल जाएंगे, मतलब पैसेंजर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन जो ट्रेन है वो सेम रहेगी, जो ट्रेन है वो सेम रहेगी, वही ट्रेन है, एक ही ट्रेन। तो बस वही एक, उस ट्रेन का नाम है, यहाँ पे इंडिया में अगर मैं बोलूं हमारे शेयर मार्केट की भाषा में, हमारे शेयर मार्केट में वो कौन सी ट्रेन है, तो वो ट्रेन है निफ्टी। निफ्टी एक इंडेक्स है, तो वैसे इंडेक्स हर एक ट्रेन है, जैसे निफ्टी हुई, बैंक निफ्टी हुई, सेंसेक्स हुआ, निफ्टी मिडकैप हुआ, तो ये सब एक ट्रेन है। अब चूंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे पास ट्रेडेबल है, इसलिए हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ओके। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टोरी सिखा रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ। तो बस अब इसको एक चीज आप समझिए कि कभी भी
इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर मैं आता हूँ, जो आपका इंडेक्स है। एक चीज समझ लीजिए, आपने नेचर का रूल जानते हो, शायद आप नेचर का रूल जानते होंगे। नेचर का रूल है हमेशा हमेशा विकास करते रहना, यानी नेचर की टेंडेंसी है वो हमेशा ग्रो करती रहती है, यानी ग्रोथ उसकी ग्रोथ टेंडेंसी है, जो नेचर की टेंडेंसी है वो ग्रोथ है, वो हमेशा ग्रोथ करती रहेगी। थोड़ा सा रुकेगी, फिर चढ़ेगी, फिर आगे, उसकी जो टेंडेंसी है वो हमेशा आगे बढ़ते रहने की है। तो ठीक वैसे ही टेंडेंसी है इंडेक्स की, क्योंकि इंडेक्स एक नेचर है। इंडेक्स क्या है? एक नेचर है, वो स्टॉक नहीं है पर्टिकुलर। मैंने बताया ना, इंडेक्स एक ट्रेन है, उस इंडेक्स में स्टॉक्स आएंगे, स्टॉक्स चले जाएंगे। जैसे आज के पहले पुंज लॉयड निफ्टी में हुआ करता था, 2007-08 के टाइम पे पुंज लॉयड निफ्टी में हुआ करता था, और आपका DHFL निफ्टी में हुआ करता था। तो बहुत से थे जो निफ्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब उसके बाद वो निफ्टी से बाहर हो गए और निफ्टी में दूसरे लोगों ने जगह ले ली, जैसे कि आपके HDFC ने जगह ले ली। तो ऐसे क्या होता है कि जो स्टॉक्स है वो इंडेक्स में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्लियर। लेकिन इंडेक्स हमेशा वही रहता है, इंडेक्स हमेशा वही बना रहता है। तो अब इसको मैं अगर बोलना चाहूं कि इंडेक्स कभी जीरो हो सकता है, नहीं, इंडेक्स कैन नॉट बी जीरो। एक स्टॉक जीरो हो सकता है, जैसे कि DHFL, देखिए कहां पे ट्रेड हो रहा था, आज कहां पे है। यस बैंक कहां पे ट्रेड हो रहा था, आज कहां पे है। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक जीरो हो सकता है, यानी उसकी वैल्यू 500 से 1 रुपए आ सकती है, लेकिन कभी भी इंडेक्स की वैल्यू उतनी नहीं होगी। इंडेक्स की वैल्यू आज 14,000 है, तो निफ्टी कभी 1,000 पे नहीं जाएगी। वो जाएगी तो उसको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट सामने आ जाएगी, समझ रहे हो ना आप। अगर देख रहे हैं ना, जब यहाँ पे निफ्टी कोरोना का टाइम आया था, तो निफ्टी मार्च 2020 में कहाँ पे गई थी, 7,500 तक गई थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रेशर किया LIC को और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन सबको बोला कि भैया आप माल उठाओ, मार्केट को गिरने से रोको। तो वही चीज कि जो इंडेक्स होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्लियर। इंडेक्स कैन नॉट बी जीरो, ए स्टॉक कैन बी जीरो, यानी स्टॉक कभी जीरो हो सकता है लेकिन इंडेक्स नहीं हो सकता। तो अब हम फोकस किसको करेंगे, इंडेक्स को। अब जैसा कि मैंने बोला, मेरा पहला क्वेश्चन कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना निफ्टी को खरीदे। अब मैं आपसे बोलूं यार निफ्टी फ्यूचर बाई कर लो, तो आप बोलोगे यार निफ्टी फ्यूचर बाई करने में 1,50,000 रुपए लगते हैं, मार्जिन देनी पड़ती है पहली चीज, मार्जिन के बाद अगर लॉस हुआ तो M2M भरना पड़ेगा, तो वो कौन करेगा भैया, हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, 1,00,000-2,00,000 रुपए वाले हैं, हमारी पूंजी ही पूरी 1,00,000-2,00,000 की होती है, और हम कहां से इतना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ओके। और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है कि यहां बैठे बैठे अपने ही ब्रोकर के अकाउंट से US के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और तीसरा मार्जिन बिना दिए ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अब इन तीनों का एक ही सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का नाम है ETF। क्या नाम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, अब आप में से कितने लोग बोलोगे अरे ये तो मुझे पता है भैया। अब मैं आपको एक थोड़ा सा यहां पे हिंट देता हूं। हिंट क्या मतलब, एक बता रहा हूं, देखो मैं इसमें ETF की बुक की डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूं, ETF की बुक की डेफिनेशन बताने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि पूरे वीडियो भरे पड़े हैं। आप जाओ यूट्यूब पे टाइप करो ETF, तुरंत मिल जाएगा, किसी का भी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ETF क्या होता है, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड से कितना डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं कि ETF में इन्वेस्ट करूं, ये सब चीजें मैं नहीं बताने वाला हूं। ये सब बताने के लिए बाकी के यूट्यूबर पड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ETF को ट्रेड कैसे कर सकते हो, उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, अच्छे से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, मैं वो सब चीजें बताऊंगा। और मैं प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, प्रैक्टिकल में कैसे, मैंने ट्रेड लिया हुआ है मैं उसका वीडियो दिखाऊंगा, ओके, कितनी कॉस्ट लगती है मैं उसका दिखाऊंगा, मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैं चैट दिखाऊंगा कि मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा आपको जो आपके काम में आए। आपको इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है, नहीं आपको बुक की पूरी डेफिनेशन पढ़ के रख देनी है, हाँ बाकी सब कुछ जानना है, ETF क्या होता है, ETF कैसे काम करता है, तो वो सब चीजों के लिए आप जाकर गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। मैं वो सब चीजें नहीं बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल चीजें कि आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो, टाइमली एंट्री लेकर के टाइमली एग्जिट कर सकते हो, बिना एक माइंड में अपने रिस्क बैठाए, रिस्क मतलब एक माइंड में अपने टेंशन बैठाए ट्रेडिंग कर सकते हो, तो मैं वो बताऊंगा। तो अब चलिए वो कैसे, तो देखिए
अब सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन तो देना पड़ेगा आप लोगों से, बहुत से लोगों को भाई जिनको ETF पता ही नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ सीधे सीधे। जैसे आपने रिलायंस का नाम सुना है, रिलायंस का एक शेयर आपको मिलता है ना, यहाँ पे रहा, ये रहा रिलायंस का शेयर, ओके। रिलायंस का शेयर, ऐसे ही ETF भी एक शेयर है, समझो ETF भी क्या है, एक शेयर है। जैसे शेयर्स के नाम सुनेंगे तो शेयर में अलग अलग आ जाता है, जैसे रिलायंस हुआ, एस्कॉर्ट्स हुआ, ग्रेजिम हुआ, एसएल टेक्नोलॉजी हुई, इंफोसिस हुई, तो ऐसे अलग अलग शेयर्स हैं, उनका नाम है। तो ठीक वैसे ही जो ETF है वो भी एक शेयर है, सीधे सीधे वो भी एक शेयर है, वो भी शेयर मार्केट में यानी एक्सचेंज में शेयर की तरह ट्रेडिंग होती है, उसको भी लोग खरीदते हैं, उसको भी लोग बेचते हैं, सीधे सीधे एकदम इजी, ओके। अब उसका नाम क्या है, तो जो सबसे बेस्ट ETF है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं वो उसका नाम है यहां पे, ये तीन। एक पहला है निफ्टी 20 जो निफ्टी का ETF है, दूसरा है बैंक 20 जो बैंक निफ्टी का ETF है, और N100, इसके पीछे इसके ऊपर मैं थोड़ा बाद में आता हूं। अब देखो, तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो, एकदम इजीली इसको आप अपने शेरखान का जो मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर ट्रेड टाइगर एप्लीकेशन है वहां पर इजीली इसको शेयर की तरह खरीद सकते हो, शेयर की तरह बेच सकते हो। मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा, वो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूंगा इसी वीडियो में, मतलब ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी में, प्लस उसके बाद मैं वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और अपने चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप अलग से भी उसको देख सको। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, डेफिनेशन मैं कोई देने वाला नहीं हूँ, प्रैक्टिकल में जो होता है वो आप जानो क्योंकि आपको पैसा कमाना है, बाकी आपको कोई ज्ञानी नहीं बनना है, ओके। नॉलेज होना चाहिए, पैसा घर में आना चाहिए, बस बात खत्म। तो अब देखो ये ETF कैसे काम करता है, तो ये जो ETF है ना निफ्टी का 20, तो निफ्टी का 20 क्या करता है, ये निफ्टी टोटल, जिसमें ये टोटल निफ्टी के जो 50 स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करता है। सीधी सी बात, आप अगर इसको 100 रुपया दोगे, अगर आप निफ्टी 20 100 रुपए का खरीदोगे तो उसमें से आपका 100 रुपया लगा कहाँ पे, आपका कुछ रुपया चला जाएगा रिलायंस में, कुछ रुपया चला जाएगा HDFC बैंक में, कुछ रुपया चला जाएगा HDFC में, तो ऐसे जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं उसमें आपका रुपया चला जाता है, यानी आप सीधे सीधे उसी को खरीदते हो। अब उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आज बंद हुई है सीधे सीधे 158.72, यानी उस ETF की वैल्यू है 158.72। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई मुझे एक शेयर लेना हो क्या इसमें मैं निफ्टी की तरह लौट लूंगा, नहीं, एक शेयर भी बाई कर सकते हो, यानी एक ETF भी बाई कर सकते हो, एक निफ्टी 20 भी बाय कर सकते हो। देखिए मेरे मुंह से कभी कभी शेयर भी निकल जाएगा, कभी कभी ETF भी निकल जाएगा, आपको समझना है कि शेयर और ETF दोनों चीज कुछ नहीं है, वो निफ्टी 20 ही है या बैंक 20 ही है, ओके। तो अब देखिए आप इसको एक भी बाय कर सकते हो 158, ओके, आपको 158 रुपए देना है, आपको 100 बाय करना है, 100 158.72, 15872 रुपए देने, यानी आप जितना बाय करना चाहते हो अपने शेयर की तरह, जैसे आप शेयर खरीदते हो और उसकी डिलीवरी लेते हो, यानी आप आज ऑर्डर से आपने ऑर्डर डाला, शेयर आपको मिलेगा तो आपके पास डिलीवरी आ जाती है, ओके, तो आपके वो डीमेट में पड़ा रहता है, ठीक इसको भी आप डीमेट में आपके आ जाएगा, आप इसको जब आगे मर्जी हो तो आप बेच सकते हो, इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो, इसमें आप शेयर की तरह जैसे आप शेयर आज लेते हो बेच देते हो, जैसे कि मैंने आज सुबह सुबह दिया था टाटा केमिकल का, तो टाटा केमिकल की तरह ठीक इसको भी बाई कर सकते हो, इसको बेच सकते हो, 158 पे बाई करो 159 पे बेच दो, 156 पे बाई करो 157 पे बेच दो, तो आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो और इसको लेकर के 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन होल्ड करके डिलीवरी की तरह भी बेच सकते हो। ये पूरा का पूरा शेयर की तरह काम करता है और कुछ नहीं, ये सीधे सीधे अलग है। आप यूं समझो अब आज से कि निफ्टी 20 नाम का एक शेयर है, ओके, जिसको मोहित भाई ने बताया हुआ है। तो ठीक वैसे तीन और है, निफ्टी 20, बैंक 20 और N100। N100 में मैं बाद में आता हूं। तो अब देखिए ये कैसे काम करता है, देखिए ये मैंने बताया ना कि ये निफ्टी के 50 स्टॉक की तरह होता है, यानी आप जितना पैसा आप जितना इसको बाई करते हो, आपने अगर इसको 158 रुपए का एक बाई किया तो ये आपका पूरा पैसा निफ्टी के स्टॉक्स में चला जाता है, किसमें, जो निफ्टी के 50 स्टॉक है, ओके, जो निफ्टी के 50 स्टॉक है उसमें आपका चला जाता है, क्लियर, तो आपका इनमें चला जाता है। अब मैं इसको फ्लोट करूं, अगर ये रहा,
तो आपका जो पैसा आप जो बाई करते हो ना, ये एक्चुअली में चलता कैसे है, ये इसी की तरह चलता है। तो ये आपके पूरे पैसे निफ्टी के 50 स्टॉक्स में चला जाता है, क्लियर। अब जब मैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, निफ्टी में ही पैसा चला जाता है, तो सीधी सी बात है ये निफ्टी की तरह चलता भी होगा, बढ़ता भी होगा, घटता भी होगा। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे निफ्टी घटेगी वैसे वैसे ये घटेगा, यानी सीधे सीधे निफ्टी का पैरेलल रहता है। पैरेलल लाइन, आपने साइंस पढ़ा होगा, तो पैरेलल लाइन यानी दो लाइन जो समान चलती हो, आजू बाजू एक दूसरे के ना नजदीक जाएंगे ना ज्यादा दूर जाएंगी, तो ठीक वैसा है निफ्टी ईटीएफ। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे काम करता है। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे ये है 2009, तो हमारी निफ्टी कहां पे थी, निफ्टी ने हाई लगाया था 2802 रुपए का, ओके। ये रहा, तो उस टाइम पे निफ्टी 20 कितना था, 50 रुपए था, ओके। ये देखिए जनवरी दिसंबर 2008 नवंबर, ये नवंबर में देखिए निफ्टी कहां पे चली गई थी, निफ्टी ऑलमोस्ट 48,000 थी, तो नवंबर यहां पे भी देखिए ये कितना था, 50 रुपए था। वहां से बढ़कर के निफ्टी कहां पे गई, ये निफ्टी चली गई 6,000 पे, कहां पे गई 10 अक्टूबर को, तो ये भी देखिए 61 रुपए चला गया, बढ़ा कि नहीं, जैसे जैसे निफ्टी बढ़ी वैसे वैसे ये बढ़ा। अब यहां पे मैं सीधे सीधे आ जाता हूं आपको यहां पे अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपको करंट की चीजें पता चले। देखिए कोरोना जब नहीं आया था तो देखिए उस टाइम पे हमारा निफ्टी कहां पे थी, ये नीचे वाली निफ्टी है, ये निफ्टी है, ओके, ये देखिए यहां पे निफ्टी है। तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज कहां पे था, निफ्टी कहां पे थी, हमारी निफ्टी थी 12172-73 यानी 12100 तक चल रही थी, ओके। तो उस टाइम पे ये भी 128, 129, 130 ऐसे चल रहा था, ओके। जनवरी में देखिए, यहाँ पे जनवरी का मैं बता देता हूँ, तो ये हो गया 130-129 ऐसा चल रहा था। उसके बाद हमारा मार्केट गिरा, ये देखिए हमारा मार्केट गिर करके कहाँ तक चला गया, 7,500 तक चला गया। तो ठीक, जब मार्केट गिरा तो ये भी चला गया नीचे, ओके। इससे घबराइए मत, मैं इसका अभी प्लस पॉइंट बताता हूँ कि इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसे आप घबराइए मत। मैं लंबा वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं पूरी चीजें एक ही वीडियो में आपको बता दूं, बार बार से 25 वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए अब क्या हुआ, अब चूंकि निफ्टी इंडेक्स है, इंडेक्स मीन्स हमारा यूएस मतलब स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो तो भाई अगर वो नीचे जाएगा तो पब्लिक पैनिक में आएगी, गवर्नमेंट आएगी बचाने के लिए, तो ठीक है गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, लोगों ने माल खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत से शेयर सस्ते मिल रहे थे, तो वहां से निफ्टी रिकवर हो गई। देखिए जब निफ्टी रिकवर होकर 11,000 आ गई सितंबर तक, तो ये भी, ये भाई साहब भी 123 रुपए आ गए। देखिए कहां पे था, 87-88 रुपए गया था नीचे मार्च में, 87-88 रुपए का ये निफ्टी 20 था। निफ्टी 20 एक्चुअली ये आई थिंक फेमिनिन जेंडर है, तो निफ्टी 20 थी, था नहीं थी, ओके। तो ये देखिए थी, और अब यहां पे ऊपर चली गया 123, फिर देखिए हमारे मार्केट ने और ज्यादा रैली की, हमारे मार्केट ने और रैली की, तो यहां पे अभी जनवरी में ही 14,700 रुपए का मार्केट ने एक हाई बनाया निफ्टी ने, तो इसने भी हाई बना लिया 101.59 का, बनाए कि नहीं बनाए। उसके बाद हमारा मार्केट गिरा, आपको पता है कंटिन्यू बजट के पहले, तो इस ये भी गिर गया, चलिए ओके, ये भी 144 का लो बनाया, मार्केट भी गिरा। उसके बाद मार्केट बढ़ा, यहाँ पे देखिए आज हम ऑल टाइम हाई पर हैं, तो ये भी ऑल टाइम हाई पर चला गया, क्लियर। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ये निफ्टी की तरह ही चलता है, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, यही है, ओके, निफ्टी आगे आगे ये पीछे पीछे। तो अब देखिए, अब इससे हमें दो चीजें निकल के आती हैं कि ये निफ्टी जितना ही सेफ है, पहला चीज निफ्टी जितना ही सेफ है, यानी इंडेक्स कभी जीरो नहीं होने वाला और इंडेक्स बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं, क्लियर। अगर वो गिरेगी तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट हमारी बैठी है, किसी की भी गवर्नमेंट है वो आएगी जरूर। दूसरी चीज, शेयर सस्ता हो जाएगा तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाई करेंगे, तो वहां पे एक पोर्शन आएगा कि ठीक है जाएगी भी तो कहां तक जाएगी, ओके, जाना है जहां जा। और दूसरा, हमें रिटर्न कितना मिलेगा, निफ्टी के जैसा ही रिटर्न मिलेगा, यानी निफ्टी 20 बाई करोगे तो निफ्टी जैसा ही रिटर्न मिलेगा, क्लियर। अब इसको कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे काम करते हैं, उस पर मैं आता हूं। तो देखिए ये जब मार्केट गिरा, यहां पे देखिए, यह देखिए यहां तक आपको तो समझ में आ गया होगा, सीधे सीधे शेयर
इंडेक्स जितना नीचे जाएगा यानी निफ्टी जितना नीचे जाएगी ये भी नीचे जाएगा, निफ्टी जितना ऊपर आएगी ये भी ऊपर आएगा। ये सीधे सीधे निफ्टी की तरह ही काम कर सकता है। हम इसको एक भी उठा सकते हैं, दस भी उठा सकते हैं, हजार भी उठा सकते हैं, पांच हजार भी उठा सकते हैं, जितनी क्वांटिटी जितना पैसा हमारे पास होगा हम उठा सकते हैं। क्लियर? तो अब चलिए, मैंने कैसे ट्रेड करवाया तो मैं आपको बताता हूं। अब मैं इसको बंद कर देता हूं। चलिए, अब ये देखिए निफ्टी, तो देखिए निफ्टी डाउन गई थी 28 जनवरी को, एक फरवरी को बजट था, 29 जनवरी को भी डाउन थी, फिर 1 फरवरी को निफ्टी ऊपर चली गई। तो देखिए मैंने कब इसको दिया, मैंने यहीं पे 28 जनवरी को बाई का कॉल दिया था, निफ्टी 20 को बाई करने का। उस टाइम पे निफ्टी कहां पे थी, 13,713 रुपए का निफ्टी ने लो बनाया था। ओके, निफ्टी ने 13,713 रुपए का लो बनाया था 28 जनवरी को। देखते हैं निफ्टी 20 कहां पे थी, ये रहा। इसमें आपको एक चीज बता चलेगी कि मेरी एनालिसिस कितनी पावरफुल है। देखिए निफ्टी 20 ने भी उसी दिन 28 जनवरी को ही लो बनाया था 144 का, कितने का, 144 का। और अगले दिन देखिए, अगले दिन 29 जनवरी को निफ्टी ने नेक्स्ट लो बनाया है। देखो आप इसको, अगर ये देखिए निफ्टी है 28 जनवरी को तो निफ्टी ने लो बनाया 13,713 का, उसके बाद 29 जनवरी को भी उसने लो बनाया 13,596 का। लेकिन समझ रहे हो ना, 28 जनवरी को निफ्टी ने लो बनाया लेकिन 29 जनवरी को वापस से और लो बनाया नीचे का, लेकिन निफ्टी 20 ने सिर्फ 28 को ही लो बनाया, 29 को लो नहीं बनाया। ये होती है मेरे एनालिसिस की पावर। अब देखो मैंने कॉल क्या दिया था, पेड स्टॉकियंस ये मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। ये देखिए 28 जनवरी यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे मैंने बोला निफ्टी 20 इन BSE एक्सचेंज। ये मैं बता दूंगा कि BSE में क्यों बाई करते हैं, यूं समझो कि BSE में ही बाई करना चाहिए, किसी और में नहीं करना चाहिए, NSE में नहीं करना चाहिए। ये देखिए बाई एट 147,150 यानी 147 रुपए से 150 रुपए तक मैंने बाई करने का रेंज दिया। क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और मेरी गाइडेंस देखिए 147 और 150 पे मैंने बाई करने का दिया, एवरेज मैंने करने का दिया 135 का। देखिए भाई इंडेक्स नीचे जा सकता है, पैनिक में सेलिंग हो रही थी, ठीक है जाने दो नीचे, हम थोड़ा सा बाई कर लेंगे और नीचे जाएगी और बाई कर लेंगे, और नीचे जाएगी और बाई कर लेंगे, और नीचे जाएगी और बाई कर लेंगे, अल्टीमेटली तो उसको ऊपर आना ही है। क्लियर? अल्टीमेटली निफ्टी को तो ऊपर आना ही है, तो हम भी इसको बाई करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 147.150 पे बाई का दिया, 135 पे मैंने एवरेज करने का दिया, SL मैंने नो दिया। देख रहे हो ना, ये होती है एनालिसिस की पावर, यानी बिलीफ कि आप जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको SL लगाना ही नहीं है। समझ रहे हो ना, जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको SL लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेफ है। कितना नीचे जाएगी निफ्टी, निफ्टी जितना नीचे जाएगी उसके बाद वो वापस ऊपर आना ही है, उसको देख रहे हो ना, निफ्टी को ऊपर आना ही है। क्लियर? और ये सब चीजें कभी कभार होती है, यानी कोरोना तो हमेशा आने वाला नहीं है, भगवान करे आए भी नहीं। ओके, तो ये सब जो बड़ी बड़ी चीजें होती है कि निफ्टी 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट गिरे, वो सब 5-10 साल 4-5 सालों में एक बार होता है, बाकी छोटा मोटा करेक्शन आता रहता है, वो मार्केट का रोल है, नेचर है। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ। अब मैंने टारगेट दिया 2,000 का इन 1-6 मंथ, ये मेरा थोड़ा सा मैंने इसको ओवर कर दिया था, फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं इतना टारगेट नहीं लो पर इन्वेस्ट करो। ओके, फिर उसके बाद ये मैंने ये भी दिया। अब पता है जैसे ही मैंने ये मैसेज किया, धड़ाधड़ मेरे पास कॉल आने लगे, मैसेज आने लगे, सर 1,000 उठा लूं, सर 5,000 उठा लूं, सर 10,000 उठा लूं, सर इतना उठा लूं, सर उतना उठा लूं। ये होती है मेरे किसी एक कॉल की वैल्यू। जब यहां से कॉल निकलते हैं तो 1,000 लोगों के पास जाता है कम से कम, और तुरंत दौड़ पड़ते हैं उसको उठाने के लिए। ओके, तो मैंने बोला, देख रहे हो ना, मैंने फिर मुझे जवाब देना पड़ा, मतलब मैसेज मेरे पास ये 2:44 मुझे दोना पड़ा, डू नॉट बाई अग्रेसिवली एज इट इज नॉट शेयर, इट इज ETF। मुझे बाद में लोगों को मना करना पड़ा कि भैया उतना ज्यादा मत उठाओ, नहीं तो सब किसी ने बोला सर 5,000 उठा लूं, अरे भैया मत उठाओ। मैंने उनको बोला मतलब इसको आपको एवरेज करना चाहिए, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। पहले 500 उठा लो, नीचे जाए फिर 500 उठा लो, आपके पास होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 500 का पैसा है तो पहले 100 उठाओ, पहले 200 उठाओ, 100 में प्रॉफिट हो गया तो बुक करके निकल लो। ओके,
ये रूल होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको बाई करने का दिया 28 जनवरी को, अब देखते हैं किसका रिजल्ट क्या आया। आज इसने हाई बनाया 159.25 का, क्लियर 159.25 का आज इसने हाई बनाया। कितने दिन में? 29 जनवरी एक, 1 फरवरी दो, 2 फरवरी तीन, 3 फरवरी चार, 4 दिन इधर के, 1 दिन उधर का, यानी 5 दिन में ये कितना ऊपर चला गया? 159 ही मैं काउंट करता हूँ, 125 नहीं काउंट करेगा, 159 माइनस 147, 12 रुपए ऊपर चला गया ETF, ओके? मेरे बाई की डेट से 5 दिन बाद कितना ऊपर चला गया ये? कहाँ गया कैलकुलेटर? 12 रुपए ऊपर चला गया। अगर किसी ने 1000 लिए होते तो उसको 12000 का प्रॉफिट जाता। यही चीज है इसका बेनिफिट, ओके? अब चूंकि ये कब बाई करना है, कब सेल करना है, वो सब मैं आगे बताता रहूंगा, ये आपको समझ में आ गया ना। और उसके बाद देखिए निफ्टी 20, जो अब हम तो निफ्टी की बात कर रहे थे, ठीक वैसे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी की तरह चलती है बैंक 20। देखिए बैंक 20 ने लो बनाया 28 जनवरी को ही, कितने का? 298.08, यानी 300 का लो बनाया, समझ लो 300 का लो बना करके आज 354 रुपए है। मैंने बैंक 20 का बाई का कॉल नहीं दिया था, सिर्फ निफ्टी 20 का बाई का कॉल दिया था। पर्टिकुलर रीजन होता है, एक ही कॉल देना चाहिए क्योंकि बाद में क्लाइंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसने लो बनाया कितने का? 28 जनवरी को 300 का, और आज 354 रुपए चल रही है। रिटर्न अगर देखना चाहोगे आप तो 54 रुपए का रिटर्न हुआ है, तो 5400 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 300, 18% का रिटर्न 5 दिन में इसने आपको दे दिया, क्लियर। तो पांच, ऐसा नहीं कि हर बार ये देगा, आपको सीखना पड़ेगा कि कब बाई करना है, कब सेल करना है, ओके? बट ये है अच्छी चीज। तो 18% का रिटर्न इसने दिया 5 दिन में बैंक 20 ने, और उसने भी रिटर्न दे दिया होगा, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं ये मेरे जो दिया था बैंक 20, ओके? अब यहां पे देखिए बैंक निफ्टी ने भी लो बनाया था, ये देखिए बैंक निफ्टी ने भी लो बनाया था और वहां से वो बैंक निफ्टी ऊपर चली आई। हालांकि ये बजट टाइम था, बजट में अच्छी चीजें आई, मार्केट उठ गया। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये टेक्निकल था, ये जो मैंने कॉल दिया था ये टेक्निकल था, ओके? ये टेक्निकल था, टेक्निकल मींस ये रहा इसका टेक्निकल रीजन। मैंने शेरखान लिमिटेड का इग्नाइट का कोर्स किया हुआ है, उसके बेस पे मैंने इसको कॉल को दिया था, क्लियर। शेरखान लिमिटेड का इग्नाइट का कोर्स आपको डिमांड एंड सप्लाई की स्ट्रेटजी सिखाता है, उसकी वजह से यहाँ पे मैंने डिमांड जोन नोटिस किया वीकली चार्ट पे, निफ्टी के वीकली चार्ट पे मैंने डिमांड जोन नोटिस किया और मैंने बाई का कॉल दे दिया 28 जनवरी को, समझ रहे हो ना। ये चीज है क्योंकि ये डिमांड जोन में थी, तो थोड़ा सा टाइम बिता करके निफ्टी को ऊपर आना ही था, ओके? अगर ऊपर नहीं आती तो नीचे जाती, नीचे बाई करने का एवरेज मैंने दिया था 135 पे। ये तो हो गई मेरी कॉल की बात। अब मैं आपके उसमें आता हूं कि इसको बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है। तो इसको इजिली, एकदम इजिली आप इसको बाई कर सकते हो अपने शेयर की तरह, जैसे आप शेयर बाई करते हो, शेयर सेल करते हो, ठीक वैसे ही। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, वो वीडियो प्ले कर देता हूँ। दो वीडियो है, टाइगर में कैसे ऑर्डर करोगे और आपका शेरखान का मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसमें ऑर्डर कैसे करोगे। वो दो ऑर्डर डालने के बाद फिर मैं आपको आऊंगा कि आप यूएस के स्टॉक में कैसे ट्रेड कर सकोगे। उसके बाद इसका एक सीक्रेट, ये जो ETF है इसका सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। वो सीक्रेट मैंने कहा था ना कि जो रिटेल पब्लिक को इससे दूर रखती है, एक पूरा एक रैकेट है, तो वो मैं बताऊंगा, यूएस स्टॉक वाला बताऊंगा, और तीसरा मेरी अनाउंसमेंट। तो चलिए अब मैं उसके ऊपर चलता हूं। अब ये मैं मोबाइल एप्लीकेशन का प्ले कर रहा हूं, तो अब जो वॉइस आएगी वो मेरे इस वीडियो की होगी। अब मोबाइल में कैसे करते हैं निफ्टी 20 में वो देख लीजिए। यहाँ पे राइट क्लिक, ये सर्च बॉक्स, ओके, ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करो, ट्रेड कोड, देन यहाँ पे आप BSE सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे लिखो, मैंने काफी ट्रेड किया है इसमें इसलिए ये दिखा रहा है। डिटेल कोड में आ जाओ एक बार, तो देखो वो उसका करंट प्राइस क्या है, ओपन क्या था, हाई क्या था, कल क्लोज क्या था, आज का लो क्या था, तो वो सब चीजें आप देखो, ओके? तो चाहो तो यहीं से टी पर क्लिक करो, ये जो टी है इस टी पे टिक करोगे तभी आपका ट्रेड हो जाएगा, ओके? या फिर यहाँ पे आपने जब लिखा था निफ्टी 20
तो ये निफ्टी 20 यहाँ पे क्लिक करो, निफ्टी 20 बाई, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालो ओके, और यहाँ पे प्राइस डालो 156.35 हमारा फुली एग्जीक्यूट हो गया, हमें मिल गया ओके, ऑर्डर डिटेल्स 156.34 पे हमें मिला है। अब इंट्राडे में अगर हमें टारगेट इसका लगाना है तो यहाँ पे नेट पोजीशन में आ जाना है वापस, रिपोर्ट्स नेट पोजीशन, इस पर क्लिक करके स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे लेट से मुझे 158 रुपये पे बेचा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट जितना मूव करेगा वो उतना ही मूव करेगा, तो 158 का मैं यहाँ पे टारगेट लगा देता हूँ, तो ये अगर 158 आ गया तो निकल जाएगा, और लेट से मुझे अभी निकल जाना है तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई में आ जाऊँगा वापस, पुराना वाला जो मेरा ऑर्डर था मुझे लगता है कि नहीं अभी नहीं जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, तो ऑर्डर बुक में आना है, क्लिक करना है, मॉडिफाई करना है, जीरो में कर देता हूँ ताकि मुझे तुरंत निकलना है, मार्केट की प्राइस कन्फर्म, ये मेरा फुल एग्जीक्यूट हुआ है, नेट पोजीशन तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 पैसे का लॉस किया है। सो ये आप इंट्राडे इसमें कर सकते हो मोबाइल में, और इसको खरीद भी सकते हो जैसा कि मैंने कॉल दिया था, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपने देखा कि आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो, आपके सामने ही मैंने ऑर्डर डाला, उसको एग्जीक्यूट किया और उसको स्क्वायर ऑफ किया, क्लियर। तो यहाँ पे आप इसमें, ये तो मुझे जल्दी जल्दी बनाना था इसलिए आपको सिखाना था इसलिए जल्दी हो गया, तो आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो निफ्टी 20 में, और इसको लेकर के 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन होल्ड करके भी बेच सकते हो शेयर की तरह, जैसे आप शेयर में ट्रेडिंग करते हो, ठीक वैसे यूं समझो कि निफ्टी 20 नाम का एक शेयर आप ट्रेड कर रहे हो बस, और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्लियर। अब इसके बाद जो दूसरा वाला वीडियो है वो ट्रेड टाइगर का है, मैं वीडियो प्ले नहीं करूंगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसी वीडियो के, और मेरे चैनल पे भी रहेगा, तो आप जाकर के उसको सीख लेना कि कैसे ट्रेडिंग उसमें करते हैं। तो अब मैं आता हूं अपने अलग, जो मैंने बताया ना कि इसका हिडन सीक्रेट क्या है, तो आपको शायद पता ना हो, और बहुत से लोग आप लोगों में से जानते होंगे जो स्मार्ट हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए ये जो ETF है ना, ETF मतलब निफ्टी 20 और बैंक 20, ये सब यूज कौन करता है पता है? ये सब बड़े 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 जो अच्छे अच्छे जो ट्रेडर है ना, जिनको पता है ये चीजें, तो वो इसको ट्रेड करते हैं, और इवन मैं भी इसको करता हूँ, क्लियर, इवन मैं भी इसको यूज करता हूँ, पर हम सब किस लिए यूज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, उसका एक ये आपका आंखें खुल जाएंगी, समझ रहा, आपकी आंखें खुल जाएंगी यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ। तो इसको यूज किस लिए करते हैं? इसको यूज करते हैं मार्जिन के लिए। तो मैंने जो बताया ना कि तीसरा क्वेश्चन मेरा था कि बिना मार्जिन दिए आप इसको इंट्राडे, मतलब बिना मार्जिन दिए आप शेयर फ्यूचर ऑप्शन कोई भी इंट्राडे या डिलीवरी बेस काम कैसे कर सकते हो। तो वैसे देखिए जब मार्केट गिरा होता है ना, क्लियर, जब भी मार्केट गिरा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये निफ्टी 20 को बाय कर लेते हैं हैवी क्वांटिटी में, समझ लो ना, जैसे कि 5 लाख की निफ्टी 20 उठा ली, क्लियर, जैसे कि 5 लाख की निफ्टी 20 उठा ली, तो वो उनके पास डीमेट में आ गया उनके पास। अब वो क्या करेंगे, इस निफ्टी 20 को अपने ब्रोकर के पास प्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, अपने ब्रोकर के पास प्लेस कर देंगे, जैसे आप अपने शेयर्स प्लेस करते हो, ठीक वैसे ही वो इसी को प्लेस क्यों करते हैं, वो नॉर्मल शेयर भी कर सकते हैं लेकिन शेयर में रिस्क है, आप समझो, वो समझो, वो तो कोई भी उठा सकता है ना, कोई भी शेयर उठा ले उसको भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो निफ्टी 20 और बैंक 20 क्यों बाय करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, रिटर्न तो कम है ही, मतलब रिटर्न इंडेक्स की तरह देगा, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रिस्क, तो वो इसलिए इसको बाय करते हैं और इसको अपने ब्रोकर के पास प्लेस कर देते हैं। अब इसको प्लेस करने से आपको लिमिट कितनी मिलती है मैं आपको दिखाता हूं, इसमें सिर्फ 5% का हेयर कट होता है, यानी ये इतना सेफ प्रोडक्ट है, यानी लेट से कि आपने 1 लाख रुपए का निफ्टी 20 आपके पास पड़ा हुआ है और आप 1 लाख रुपए का निफ्टी 20 अपने ब्रोकर के पास प्लेस करते हो, तो उसमें से आपको सिर्फ 5000 माइनस करके, मैंने बताया ना 5% का हेयर कट है, सिर्फ 5000 माइनस करके 95000 आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, किसके लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। तो अब हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी आपके पास निफ्टी 20 पड़ी है वो ऊपर जाएगी, लेट्स से आपने 60 रुपए पे बाई कर लिया है तो वो, सॉरी 100 रुपए पे बाई किया है तो वो 110-115 जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा निफ्टी 20 में, क्लियर, और उसको प्लेस करके जो पैसे आपको रिलीज हुए हैं उस पैसों से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो, डिलीवरी में ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो, ओके, मजा आया ना। तो यही चीज है, जो बड़े
इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जिनको ये चीजें पता है। कोई भी यूट्यूबर ये चीजें नहीं बताएगा आपको, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी चीजें डिलीवर करूँ सोसाइटी को। तो वो क्या करेंगे, इसको बाई करते हैं और वो प्लेस करते हैं। इवन मैं भी करता हूँ, मैं भी यही चीजें करता हूँ क्योंकि ये सेफ है, मुझे पता है ये बहुत जीरो तो होने वाला नहीं है, लॉस इसमें होगा नहीं। अब वो आपको डराएंगे, वो आपको डराएंगे क्या, लिक्विडिटी। आपको बोलेंगे इसमें ईटीएफ में लिक्विडिटी कम होती है। अरे भैया मैं कहां बोल रहा हूं कि 50 ईटीएफ में ट्रेड करो, आपको सिर्फ तीन में ट्रेड करना है, निफ्टी 20, बैंक 20 एंड 100, बस और किसी पे नहीं जाना है। इन दोनों से बाहर हटना ही नहीं है। एक सीपीएससी का ईटीएफ है, उसमें तो जाना ही नहीं है, वो गवर्नमेंट की कंपनीज का ईटीएफ है, यानी जो आपका महारत्न और ये मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, पीएसयू जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो उसकी उसका एक ईटीएफ है, उसमें जाना ही नहीं है। सीपीएससी 100 बोलते हैं उसको, उसमें जाना ही नहीं है, क्लियर। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस किस में करना है, निफ्टी 20 और बैंक 20 में, क्लियर। आपको मार्जिन का भी समझ में आ गया, तो आप जब भी इसको हमेशा बाय नहीं करना है, एक बात याद रखो, ऐसा नहीं कि आप अभी उठा लो, अभी मार्केट हाई पर है, अभी इसको नहीं उठाना है। जब भी मार्केट करेक्ट हो, लेट से मार्केट करेक्ट होकर वापस यहाँ पे आया, या मार्केट यहाँ पे आया, या मार्केट यहाँ पे आया, तब आप उठा सकते हो ETF को, यानी निफ्टी 20 को उठा सकते हो और उठा करके अपने घर में रख दो, ओके, अपने डीमेट में रख दो। फिर उसके बाद जो पैसे रिलीज होंगे उसको वहां पे करो। मैंने वहां पे एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, इसीलिए कि भाई लेट से कि मैं 147 पे दे रहा हूं, वहां पे बाई करो, नीचे जाएगा वहां पे बाई करो और नीचे जाएगा। लेट से मैंने 1,00,000 का बाई किया, ओके, मैं प्रैक्टिकल आता हूँ, मैथमेटिकल, 1,00,000 रुपए का बाई कर लिया, ओके, नीचे चला गया वापस 50,000 का बाई कर लिया, नीचे चला गया वापस 50,000 का बाई कर लिया, नीचे चला गया वापस 50,000 का बाई कर लिया, और नीचे चला गया वापस 50,000 का बाई कर लिया, ओके। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो पैसे उसमें डाल रहा हूँ उस पैसे को मैं यूज भी कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि वो पैसे मेरे ब्लॉक होंगे, मुझे निकल नहीं सकेंगे। मुझे पता है जितने का मैं बाई करूंगा वो पूरा का पूरा पैसा सिर्फ हेयर कट निकाल करके, लेट से मैंने 3,00,000 रुपए का बाई कर लिया, तो मैं 2,50,000 तक का तो शेयर ट्रेडिंग कर ही सकता हूँ ना, तो मेरे पैसे कहीं फंस नहीं रहे हैं, मेरे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, और वो जो पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की उसी को मैं वापस ट्रेडिंग करता रहूंगा, मैं यहाँ पे इंट्राडे में बाई करता रहूंगा, शेयर सेल करता रहूंगा, क्लियर। तो जो पैसे मेरे डाले हुए हैं उसमें मुझे प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हाँ, जब वो वहां से उठना शुरू करेगा तो मुझे वहां पे रिटर्न जनरेट तो होगा ही, साथ में ये जो मैंने ट्रेडिंग करके रिटर्न जनरेट किया है सो अलग। इसीलिए मैंने बोला आम के आम और गुठलियों के दाम, क्लियर। अब मैं आता हूं आपको, मैंने बता दिया सीक्रेट यही चीज होती है, और इसीलिए वो एक्चुअली मैं चाहते ही नहीं है कि रिटेल पब्लिक इसमें आए, जो बड़े है ना, बड़े बड़े बिग फिशेस जिसको बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसको हटाते, मतलब एटलीस्ट मैंने 2-3 यूट्यूबर के वीडियो भी देखे जब मैं शुरू में पढ़ रहा था ETF के बारे में, मैं भी नया हूँ, मैं भी चीजें सीख रहा हूँ, तो जब मैं ETF के बारे में, तो वो बताते थे कि वो मतलब डरा देते थे। अरे 2-3 तो इतने फेमस यूट्यूबर है ना, वो बोलते थे कि ETF में बाय ही मत करो, मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता, जबकि मैंने देखा ये प्रैक्टिकली कितनी अच्छी चीज है। लिक्विडिटी की समस्या अब नहीं आती, वो बोलेंगे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अब आती नहीं है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रही है ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ओके, एटलीस्ट आपको तो नहीं आएगी, जो आप 200, 400 या 1000, 2000 लोगे आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब तो ये सीक्रेट आपको पता चल गया, मेरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन बाकी है अभी भी, क्लियर, कि यहां पे बैठे बैठे अमेरिका के जो स्टॉक है, यूएस के स्टॉक है, उसमें आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन है ये N100। क्या है N100, जिसका रेट है अभी 967.50। आप इसको बाई करो, जैसे आप निफ्टी 20 को बाई कर रहे हो ना, ठीक यूं समझो कि एक शेयर है उसका नाम है N100, इसका एक्चुअली नाम है मोतीलाल ओसवाल नैसडेक 100 ETF। मैं अभी चल दूंगा गूगल पे इसके बारे में बताने के लिए, तो ये इसका यही चीज है, क्लियर। इसको बाई करो, यानी आप अगर इसको एक शेयर बाई करना चाहते हो तो 957, यहाँ पे देखिए, अब ये मेरा पासवर्ड मांगेगा तो इसको छोड़ो, कैलकुलेट करता हूँ, 957 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 11, सॉरी, अगर आपको 100 शेयर लेना है तो 957 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 100 ETF ये लेना है N100 तो 95,700 रुपए, यानी जितने आपको लेने हैं उतने ही आपके पैसे लगेंगे, क्लियर। अब चलिए, ये एक्चुअली में है क्या, ये थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताता हूँ, तो आप यहीं पे बैठे बैठे इसको बाई कर सकते हो, ठीक वैसे जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाला था ना निफ्टी का, यहाँ पे मैं आपको एक करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल के दिखाई देता हूँ,
ओके ये रहा, इस पे बाई करना है। अरे यार ये क्या, मैंने टर्मिनल में लगा के रखता हूँ ना, इसी वजह से दिक्कत आती है। ओके तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे आपको जो भी बाई करना है, आपने सब लेट से क्वांटिटी डाली, यहाँ पे प्राइस डाला 967 फिर 960 पे बाई करना है, प्लेस कर दिया, कंफर्म कर दिया, आ गया आपका ऑर्डर। आपका अगर पैसा होगा तो जब प्राइस नीचे आएगी तो आप उसका बाई हो जाएगा। तुरंत बाई करना है तो जीरो करो, प्लेस करो, कंफर्म करो, क्लियर? ठीक है, ऐसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब ये है क्या और हमें कैसा रिटर्न देगा, तो देखिए इसका मैं चार्ट ओपन करता हूं। देखिए अब चूंकि ये नैस्डेक 100 जो अमेरिका का एक एक्सचेंज है, जैसे अपने निफ्टी है ना, वैसे वहां पे नैस्डेक 100 है, तो वो उसका ETF है, तो वो जितना गिरेगा ये भी गिरेगा, वो जितना बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, वो जितना गिरेगा ये भी गिरेगा, वो जितना बढ़ेगा ये भी गिरेगा। तो भैया कोरोना में तो सभी को प्रॉब्लम हुई थी, कोरोना के टाइम पे सभी नीचे गए थे, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज नीचे गए थे, ओके तो ये भी नीचे गया था, ओके। और फिर देखिए ये कहाँ पे गया था, ऑलमोस्ट 511 रुपये 12 रुपये नीचे गया था, और आज ट्रेड कहाँ पे हो रहा है, 967 रुपये, यानी 400 रुपये से ज्यादा बढ़ा है, क्लियर? क्योंकि वहां का जो नैस्डेक 100 है वो भी बढ़ा। तो अब वो कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। में आपको जानकारी लेने के लिए सीधे सीधे आपको गूगल पे आना है, गूगल बाबा से पूछना है N100 और लास्ट में लिखना है मनी कंट्रोल, वरना कुछ फालतू की चीजें आ जाएंगी। तो मनी कंट्रोल लिखना है और ये सेकंड वाला। अब देखिए ये है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। अब मैंने आपको जो दूसरा वाला मेरा क्वेश्चन था कि आप यहां पे बैठे बैठे अमेरिका के यूएस स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, तो अब आप समझिए कि जब भी आप ये एक ETF बाई करते हो, यानी एक क्वांटिटी बाई करते हो, तो आपका 956 रुपये इन्वेस्टमेंट किस में, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है, वो इन्वेस्ट होती है इसके पोर्टफोलियो में। आ जाओ ये मनी कंट्रोल का है और इसका पोर्टफोलियो है यहाँ पे, देखिए। अब इसको डिटेल पोर्टफोलियो में जाता हूँ, डिटेल होल्डिंग में, तो ये देखिए आपका पैसा एप्पल में जाएगा, आपका पैसा माइक्रोसॉफ्ट में जाएगा, आपका पैसा अमेजोन में जाएगा, आपका पैसा टेस्ला में जाएगा। देखा ना कि टेस्ला ने एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया, तो बस वही चीज है। तो यहाँ पे फेसबुक में जाएगा, अल्फाबेट यानी गूगल में जाएगा, अल्फाबेट इंक वो भी गूगल ही है, एनवीडिया कारपोरेशन इसका प्रोसेसर आता है, आपको पता होगा इंटेल का ये राइवल है अपने यहाँ पे, मतलब जो वर्ल्ड में जो इंटेल का प्रोसेसर आता है ना, तो उसका राइवल है एनवीडिया। और ये आपका पेपल जानते हो, तो ये ऐसे जो इंडिया सॉरी यूएस के 100 टॉप स्टॉक्स है उसमें आपका पैसा जाता है, क्लियर? आप इसमें जितना इन्वेस्ट करोगे, अब मैं आपको कैलकुलेट करके थोड़ा सा बताता हूँ, चलिए एग्जांपल देता हूँ मैथमेटिकल। लेट्स से कि आपने 100 रुपये का N100 बाई किया, तो 100 रुपये का अगर आपने N100 बाई किया तो उसमें से 12 रुपये 37 पैसे आपके जाएंगे किसमें, एप्पल में, यानी 12 रुपये 37 पैसे का आपका शेयर इन्वेस्ट होगा कहाँ पे, एप्पल में। एप्पल का फोन नहीं ले सकते, कम से कम एप्पल का तो शेयर ले सकते हो ना, मैं वही करता हूँ, मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है लेकिन मैं एप्पल का शेयर जरूर लेके रखा है, मतलब मेरे पास N100 है। यहाँ पे देखो फिर अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो उसमें से 9 रुपये 12 पैसे जाएंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में, उसमें से 8 रुपये 98 पैसे जाएंगे आपके अमेजोन में, उसमें 4 रुपये 44 पैसे जाएंगे आपके टेस्ला में, 3 रुपये 56 पैसे आपके जाएंगे फेसबुक में, ओके। तो ये आपको बेनिफिट देता है, सीधे सीधे इसी को बाई कर लो, इसी को बाई करोगे ये पैसा जाएगा आपके वहां के यूएस के स्टॉक्स में। अब एक चीज, इसको ऐसा नहीं कि कभी भी आए और मुंह उठा के बाई कर लिए, नहीं वैसा नहीं करना है, जब गिरा हुआ हो, गिरा हुआ मींस कि जब ये रो रहा हो, यूं समझो। इसका चार्ट कहां गया, चलिए यहां पे मैं चार्ट दिखाता हूं, नहीं ये रहा। तो ये देखिए नैस्डेक 100, तो जब भी मार्केट गिरा हुआ हो, आपको पता चले कि नहीं मार्केट गिरा हुआ है, ओके, तो आप जाकर के यूएस में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, डॉलर में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, आप पागल हो जाओगे। हाँ लेकिन जब भी आपको पता चले कि मार्केट गिरा हुआ है, देखिए यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे गिरा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा गिरा था कोरोना के टाइम पे, तो गिरा ही गिरा था, ओके, तो आप उस टाइम पे मोतीलाल ओसवाल N100 जो नैस्डेक 100 ETF है
उसको अपने शेरखान के डीमेट अकाउंट से या शेरखान के मोबाइल एप्लीकेशन से सीधे सीधे बाय कर सकते हो। क्लियर? आपको 10,000 रुपए डालना है तो 10,000 रुपए का ये बाय कर लो। ओके, 10,000 रुपए का कितना आएगा कैलकुलेट करिए। दस शेयर आ जाएंगे आपके पास, यानी 10,900 आ जाएगा, तो बाई कर लो। ओके, अब आपको क्या लगता है कि ये कंपनियां गिरने वाली हैं? दीज आर टू बिग टू फेल, समझ रहा ना, दीज आर टू बिग टू फेल, ये सब बड़ी कंपनी है, तो आप यहां पे इन्वेस्ट करो। क्लियर? अब एक थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर। देखिए, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ म्यूचुअल फंड के लिए, मैं मोहित पाठक, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ म्यूचुअल फंड के लिए। ये ETF एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। ओके, तो मैं सर्टिफाइड भी हूँ, NISM का सर्टिफिकेशन है मेरे पास, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। लेकिन किसी भी मेरे बताए गए डिसीजन, मेरे बताए गए किसी भी सलाह पे एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करो। ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इतना बाई करो इतना सेल करो, मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ। क्लियर हो गया डिस्क्लेमर, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि आप यहाँ से बैठे बैठे आप US के स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। क्लियर? अब दूसरी, मेरा, अरे हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चीज तो भूल ही गया। देखिए, अब इसका पता है क्या आपको, अगर मैंने बोला ना कि मैं आपको अगर एक चीज बोलूं, फिर मैं अपने अनाउंसमेंट पे आता हूँ, फिर लास्ट पार्ट हो जाएगा, 10 मिनट और लगेंगे बस। देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप अच्छी चीजें जान रहे हो ना, समझ रहे ना। तो ये चीज आपको पता है कि अगर आपसे मैं बोलूं कि हर महीने आपको 4,000 से 5,000 रुपए की इनकम जनरेट करनी है, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम मीन्स भाड़े की इनकम, जैसे कि आप लोग के पास, अपने लोगों ने रेंट पे रह रहे होंगे, घर पे रह रहे होंगे ना, तो आप भाड़ा देते हो ना, रेंट देते हो ना घर का, तो वैसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने रेंट पे दे रखा है, यानी उनको भाड़ा मिलता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हर महीने 4,000 से 5,000 रुपए की रेंटल इनकम पाने के लिए आपको कितने की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर बाई करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे यार किसी भी शहर में अगर 4,000 से 5,000 रुपए का रेंटल इनकम आनी चाहिए तो उसके लिए मुझे कम से कम 40,00,000 रुपए तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। 40 लाख नहीं, अगर मैं अपने सूरत शहर की भी बात करूं तो कम से कम 30,00,000 रुपए तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। कम से कम मुझे 30,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी बाई करनी पड़ेगी जिससे मुझे हर महीने 5,000 रुपए का रेंट आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? कम से कम 30,00,000 रुपए का हमें बाई करना पड़ेगा, 30 छोड़ो 20 भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20,00,000 रुपए भी अगर इन्वेस्ट करोगे तभी आपको जाकर के हर महीने 5,000 रुपए का रेंटल इनकम आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ 11 लाख, ओके, सिर्फ 11 लाख, सिर्फ 12 लाख, सिर्फ 10 लाख, इतना ही इन्वेस्ट करके हर महीने 4,000 से 5,000 रुपए रेंटल इनकम आप बना सकते हो, तो वो कैसे? क्लियर? तो वो ETF से पॉसिबल है, आपको मैं बता रहा हूं ना, वो ETF से पॉसिबल है। कैसे? अब आप क्या करो, ये बहुत से लोग यूज करते हैं, मैं तो अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास उतना ETF अभी कैलकुलेट, मतलब एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, ये निफ्टी 20, बट मैं इसको एक्यूमुलेट कर ही रहा हूं, जब भी नीचे होता है मार्केट मैं उठा लेता हूं, मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूं, जिस टाइम पे वो रेंज में पहुंच गया फिर मैं वो चालू कर दूंगा। ओके, तो अभी जो भी मैं इन्वेस्ट करता हूं उसको ट्रेडिंग करता रहता हूं। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको निफ्टी का एक लॉट क्या है, निफ्टी का एक लॉट का फ्यूचर, अब यहाँ पे मैं देखिए इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, जब मैं अनाउंसमेंट करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि आप इसको डिटेल में कैसे ट्रेड कर सकोगे, समझ रहे हो ना। लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो देखिए, आप क्या करो, निफ्टी के एक लॉट का फ्यूचर की क्वांटिटी क्या है, फ्यूचर का, अगर निफ्टी का एक लॉट अगर आप बाई कर रहे हो तो उसका एक लॉट कितने का आता है, एक लॉट आपका आएगा 1,67,000, 1,70,000 पकड़ लो। ओके, लेकिन 1,70,000 नहीं, आपका टोटल, आपका जो वैल्यू है ना निफ्टी की, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लॉट से। तो अगर मैं अभी के हिसाब से 14,800 है तो 14,900 कैलकुलेट करता हूँ, 14,900 मल्टीप्लाइड बाई उसकी लॉट 75, यानी 11,17,500, इसको मैं 11,18,000 पकड़ता हूँ। ओके, 11,18,000 निफ्टी के एक लॉट की वैल्यू हो गई। तो आप क्या करो, आप क्या करो, निफ्टी का एक लॉट, सॉरी नहीं, जब भी आपको लगे कब बाई करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं अनाउंसमेंट में बताऊंगा। तो आप क्या करो, एक निफ्टी का लॉट, मतलब ये पूरा का पूरा लॉट कितने का आ गया, निफ्टी का 11 लाख का आ गया, 11,18,000 का निफ्टी का लॉट है,
तो आप 11,18,000 का ये निफ्टी 20 बाई कर लो। जैसे मैं आज की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ 158, 159। अरे ये इतना ज्यादा क्यों आ गया, एक सेकंड। डिवाइडेड बाई 158, 7,775, 7,100 पकड़ लो, 7,100। आप क्या करो, 7,100 निफ्टी 20 बाई कर लो। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया कि निफ्टी के एक लॉट की वैल्यू क्या है, 11,18,000 है, लेट से 12,00,000 भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो वो सस्ता हो जाएगा, 11,00,000 में मिलेगा, 10,00,000 में मिलेगा। ओके, तो कब आपको बाई करना है वो मैं अनाउंसमेंट में बता रहा हूँ। तो अब देखिए, तो आप एक लॉट आपने बाई कर लिया, एक लॉट जितना निफ्टी के एक लॉट की वैल्यू के जितना ETF बाई कर लिया, यानी 7,100 क्वांटिटी बाई कर ली आपने, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब आप निफ्टी के एक लॉट के बराबर आपके पास निफ्टी 20 पड़ी होगी, तो आप निफ्टी का कोई भी कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, निफ्टी का कोई भी कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट आपको कौन सा करना है, कितनी स्ट्राइक प्राइस का करना है, वो सब चीजें मैं अनाउंसमेंट में बता रहा हूं। अब चीजें समझिए कि कैसे काम करता है। तो आप क्या करो, निफ्टी के 10-15% ऊपर की जो भी लॉट है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, उसका आप शॉर्ट कर दो कॉल ऑप्शन। तो क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा, वो आपके घर में आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास निफ्टी 20 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्लियर। तो आप उसको शॉर्ट करके हर महीने, हर वीकली शॉर्ट करते जाओ, रेंटल इनकम बनाते जाओ। कैसे बनेगी, देखिए, जैसे आज की मैं अगर बात करूं, मुझे आज की स्ट्राइक, आज की वो ओपन करना पड़ेगा, इंसर्ट पंद्रह हजार का कॉल ऑप्शन, आज की एक्सपायरी का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 15,000 का। तो देखिए, मार्केट कुछ दिनों पहले देखिए बढ़ा था, यहां पे देखिए 13 जनवरी को मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। उस टाइम पे 15,000 का कॉल ऑप्शन कितना चला था, 182 रुपीज चला था हाई। और उसके बाद अभी मैं देखूं, कल की ही बात करता हूँ, 35 रुपए इसका कॉल ऑप्शन चल रहा था। क्या चला था, 35 रुपए, सॉरी कल नहीं, 2 फरवरी। ओके, तो 35 रुपए हाई गया था, और ये देखिए 29-30, 29-25-30, तो ऐसा चल रहा था। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्जिन तो देने की जरूरत है नहीं आपके पास, वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बीच वाला कैलकुलेट करूँ तो 122 रुपीज। तो आप क्या करो, निफ्टी के 15,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दो। ओके, अब आपने शॉर्ट कर दिया तो 122 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 75 ये आपके घर में आने वाले हैं। समझ रहे हो ना, आपको रेंट भी मिल गया और आपके पास निफ्टी 20 पड़ी भी है। निफ्टी 20 का ऊपर जाएगा प्राइस तो आपको वहां पे भी बेनिफिट मिलेगा, उसको इन्वेस्ट करके रखो। लेकिन यहाँ पे आप इसको कॉल को भी शॉर्ट करके, तो हर महीने, हर वीकली आप अपने हिसाब से, अगर आपको कॉल शॉर्ट करने की आता है कि कैसे करते हैं, वो सब किस स्ट्राइक प्राइस का करना है, वो सब मैं नेक्स्ट बताऊंगा, मतलब उसमें अनाउंसमेंट बताऊंगा ये चीजें। तो ये करके आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, कितने में, सिर्फ 12,00,000 रुपए में। सिर्फ 12,00,000 रुपए में आप हर महीने 5 से 6,000, 6 से 5,000, 10,000 तक की रेंटल इनकम हर महीने आप जमा कर सकते हो। आपको 25,00,000 रुपए का घर लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो ये चीज आपको, ये सब चीजें वही है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, रियल इस्टेट से भी ज्यादा अच्छा है ये स्टॉक मार्केट, लेकिन लोग इसको जानते नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मेरी अनाउंसमेंट, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया ना, ये हिडन सीक्रेट है, ये सब सीक्रेट यूज करते हैं कौन, ये सब सीक्रेट यूज करते हैं। देखिए आज 15,000 का कॉल ऑप्शन जीरो हो गया, क्लियर। तो बेच दो, जीरो हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि टाइम डिके होता है, वैल्यू उसकी खत्म हो जाती है। ये सब बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। अब मैं आता हूं अपने अनाउंसमेंट पे। अनाउंसमेंट मेरा क्या है कि ये सब ETF कब बाई करना है, ओके, कब बाई करना है, बस कैसे बाई करना है वो तो मैंने बता दिया, क्यों बाई करना है वो भी मैंने बता दिया, क्लियर। लेकिन कब बाई करना है, कब बाई करना है ETF, कब शॉर्ट करना है कॉल, कौन सा कॉल स्ट्राइक प्राइस लेना है, शॉर्ट कब करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए शॉर्ट करने के लिए, अगर आपने पूरा का पूरा लॉट उठा के रखा हुआ है तब,
नहीं भी उठा के रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, 10,000-15,000 रुपए भी लगा करके इसको निफ्टी 20 को बाई करो, जैसा कि मैंने यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। क्लियर कि कब बाई करना है। देखिए मैंने 28 जनवरी को दिया हुआ है और 28 जनवरी से निफ्टी ने लो बनाया, समझ लो ना, ये होती है पावर ऑफ एनालिसिस, स्टॉकिया के एनालिसिस की पावर। निफ्टी ने लो बनाया, अगले दिन निफ्टी ने लो बनाया, लेकिन निफ्टी 20 ने लो नहीं बनाया, निफ्टी 20 का जो लो था वो उसी दिन का रह गया जिस दिन स्टॉकिया ने कॉल दिया था। उसके बाद अगले दिन मार्केट ने तो लो बनाया लेकिन निफ्टी 20 ने लो नहीं बनाया, देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये है निफ्टी 20 का लो 28 जनवरी और ये है मार्केट का लो 29 जनवरी। मार्केट ने लो बनाया लेकिन निफ्टी 20 ने लो नहीं बनाया और वहां से वो ऊपर चला गया। क्लियर। तो अब आपको कब बाई करना है, इसके लिए मैंने एक पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ है। उस सिस्टम में 2-3 चीजें हैं जिसको मैंने सिखाया हुआ है और एक इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूं कि कब बाई करना है। जैसा कि आपने देखा ना, पिन पॉइंट यानी 28 को ही बाई करना था, 29 को बाई करते तो महंगा मिलता, ओके। तो पिन पॉइंट कि कब बाई करना है वो आपको बताएगा वो इंडिकेटर और वो जो पूरा वीडियो है, तो पूरा का पूरा मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आप मेरे इस नंबर पे, ये रहा मेरा नंबर, इस नंबर पे अगर आपको दिखाई नहीं भी दे रहा है तो मैं बोल देता हूं 9737554319, ओके 9737554319। तो ये आप वीडियो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको वो वीडियो के लिंक भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हो लाइफ टाइम। क्लियर, आप उसको लाइफ टाइम देख सकते हो, लाइफ टाइम देख करके उसको सीख सकते हो, वो इंडिकेटर का यूज कर सकते हो और उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि उतना ही सेफ है जितना स्टॉक इंडेक्स सेफ है। इंडेक्स जीरो होने वाला नहीं है तो ये भी जीरो होगा नहीं, ओके क्लियर। और अगर हमने इन्वेस्ट कर भी दिया है तो हम उसको प्लेज करके ट्रेडिंग करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जो मैं वीडियो दूंगा आपको उसकी मैं कॉस्ट लूंगा। देखिए फ्री में कोई भी चीज यहाँ पे वैल्यू नहीं करता है। मैं इतने एक साल से वीडियो चला रहा हूँ यूट्यूब चैनल, मैंने समझ लिया है कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता, तो आप इसका मैं कॉस्ट लूंगा और वो कॉस्ट बहुत ही नॉर्मल है, सिर्फ 1,000 रुपीज है, ओनली 1,000 यानी 1,000 रुपए। आप 1,000 रुपए मुझे पे करोगे, मैं आपको वो वीडियो के लिंक भेज दूंगा, वो लाइफ टाइम आपके पास पड़ा रहेगा, आप उसको देखोगे और उसको सीख करके आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग कर लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सीखा, अगले दिन आपके 1,000 रुपए निकल गए, ओके। तो ये चीज होती है सीखने की पावर वैल्यू। आपको अगर सीखना है तो मुझे मैसेज करिए। अब ये क्यों सीखना चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। बहुत से लोगों का मेरे पास फोन आता है, सर मेरा लॉस हो गया इतना ज्यादा, ये वो ऐसे वैसे। तो आप एक चीज समझो, सबसे पहले आप बिना सीखे 1-2 लाख का लॉस तो कर सकते हो, लेकिन सीखने के लिए 20-25 हज़ार रुपए खर्च नहीं कर सकते। ये सबसे गलत चीज है रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर कभी भी नॉलेज के पीछे पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करता। मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए, सबसे पहले मैंने नॉलेज में इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया, समझ लो ना, तब जाकर के आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर। तो सबसे पहले आप सीखो, मार्केट को सीख लो, उसके बाद आपको लॉस बहुत ही कम होगा। हाँ, अगर सीखोगे अच्छे से, प्रैक्टिस हो जाएगी 1-2 साल में, तो आप अच्छे से प्रॉफिटेबल रहोगे, लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि आपने जो एक बार पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपने नॉलेज में वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो बस वही चीज है, आपको अगर चाहिए मेरा वो वीडियो तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको देख लेना और ये रहा मेरा नंबर, मुझे मैसेज कर देना। हाँ, अगर इस ETF के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैं अब ट्विटर पे भी आ गया हूँ और मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ट्विटर पे जाकर के फॉलो करो, ट्विटर वहाँ डिस्क्रिप्शन के में लिंक है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट कोई बात नहीं, मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें दी है, इस बात की मुझे खुशी है और आपको भी अच्छा लगा होगा, मेरा ऐसा मानना है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भेजिए और उनसे बोलिए कि इत्मीनान से आराम से देखो। जरूरत नहीं है कि एक ही बार में 1 घंटा बैठ के देखो, 20-25 मिनट 2-3 दिन में देखो, पर देखो जरूर, ये चीज़ें अच्छी है। इतना कोई भी यूट्यूबर बताता नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है जितना मैंने आपको बता दिया ETF के बारे में, कितना ईजी है, कितना सेफ है, कितना प्रोटेक्टिव है, ओके। सो थैंक यू, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।